अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से, आज के सेगमेंट में मैं जो गोश्त लेके आया हूँ, इलाहाबाद या बर्रे सगीर में खाया नहीं जाता है लेकिन मशहूर बहुत है और ही अजीमुशान जानवर है। नाम इसका है घोड़ा। इसके गोश्त का रंग सुर्ख होता है और जायका नमकीन होता है और मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है। नुकसान ये है, गर्म मिजाजों के लिए नुकसानदह होता है। इसलाह इसका उबालना, उबालने से इसकी इस्लाह हो जाती है। हलाल भी है और हराम भी है, स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से खाएं। और जो गैर मुस्लिम है उनका इस्तेमाल चाहे जैसे करें, उसका कोई मसला नहीं है। प्रयोग इसका जान लें। इसको खाने से, इसका गोश्त खाने से इंसान के अंदर बहादुरी, महत्वाकांक्षा पैदा होती है। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। और इंसान को यह गोश्त निर्दयी और क्रूर बनाता है। तो ये चार इसकी चीज़ें हैं। एक ये कि बहादुरी, दूसरे ये महत्वाकांक्षा, तीसरी निर्दयी और क्रूरता। इसके गोश्त खाने से ये चीज़ें आती हैं। कबाब इसका सर्द मिजाज के लिए मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। जला हुआ गोश्त तर मिजाजों के दस्त को बंद कर देता है। तो इसका गोश्त, जो तर्म मिजाज लोग हैं और उनका बहुत ज़्यादा दस्त अगर हो रहा हो तो इसको गोश्त को जला के खाएं, इंशाल्लाह उनकी दस्त बंद हो जाएगी। तो घोड़ा के बारे में यही है। कोई ख़ास मेडिसिनल इस्तेमाल इसका नहीं है, लेकिन यह है कि इसको खाने से बहादुरी, महत्वाकांक्षा, क्रूरता और निर्दयता आती है। तो आप लोग अपने विवेक के हिसाब से, जहाँ पर ये पाया जा रहा हो, जहाँ के लोग इसको खा रहे हों, उसके हिसाब से इसको खाएँ और बहादुर और महत्वाकांक्षी बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।